विराजमान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, आज उनका जन्मदिन है, हम सब की तरफ से उनको बधाई। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमती मेनका गांधी जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमती अनीता भदेल जी, संसद में हमारे साथी यहीं की प्रतिनिधि श्रीमती संतोष अहलावत जी, विधायक एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अशोक परनामी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए माताएं, बहनें, भाई और नौजवान मित्रों, आज 8 मार्च पूरा विश्व 100 साल से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान झुंझुनू के साथ जुड़ गया है। देश के हर कोने में टेक्नोलॉजी के मदद से ये झुंझुनू का भव्य दृश्य पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा। मैं झुंझुनू ऐसे ही नहीं आया हूं, सोच विचार करके आया हूं। और आया क्या, आपने मुझे खींच लिया है। आपने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया है। और मजबूरी इस बात की थी कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। अभी वसुंधरा जी वर्णन कर रही थी कि कैसी है ये वीरों की भूमि है, इस भूमि की क्या ताकत रही है, और इसलिए चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे दान पुण्य का काम हो, चाहे देश के लिए मर मिटने की बात हो, ये जिले ने सिद्ध कर दिया है, युद्ध हो या अकाल हो, झुंझुनू झुकना नहीं जानता। झुंझुनू जूझना जानता है।
और इसलिए झुंझुनू की धरती से आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को झुंझुनू से भी प्रेरणा मिलेगी, देश को यहां से भी एक नई ताकत मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण हमने बेटियों को ही बलि चढ़ाने का रास्ता चुन लिया। जब ये सुनते हैं कि हजार बेटों के सामने कहीं 800 बच्चियां आए, कहीं 850 बच्चियां हैं, कहीं 900 बच्चियां हैं, ये समाज की क्या दुर्दशा होगी कल्पना कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष की समानता से ही ये समाज का चक्र चलता है, समाज की गतिविधि बढ़ती है। कई दशकों से बेटियों को नकारते रहे, मारते रहे, उसी का नतीजा है कि सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ। मैं जानता हूं एकाध पीढ़ी में ये सुधार नहीं होता है, चार चार पांच पांच पीढ़ियों की बुराइयां आज इकट्ठा हुई है। पुराना जो घाटा है वो घाटा दूर करने में समय लगेगा, वो हर कोई समझता है, लेकिन अब तो हम तय करें कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होगी। जितने बेटा पलेंगे उतनी ही बेटियां पलेगी। बेटा बेटी दोनों एक समान, इस भाव को लेकर के अगर चलेंगे तो जो चार पांच छह पीढ़ी में बुरा हुआ है वो शायद हम दो या तीन पीढ़ी में ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त है, अभी जो बच्चे पैदा होंगे उसमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी की बात है कि आज जिन जिलों को सम्मानित करने का अवसर मिला
उन पहले 10 जिलों ने इस काम को बखूबी निभाया है कि जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसमें वो बेटों की बराबरी में बेटियों को लाने में सफल हुए हैं। आज जिनको सम्मान करने का अवसर मिला उन जिलों को, उस राज्य को, उस टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को अपने जिम्मे लिया। और मैं और भी देश के सभी अधिकारियों से, सरकार के सभी हमारे साथियों से, मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। जब तक एक एक परिवार जुड़ता नहीं है और जब तक मदर इन लॉ सास उसका नेतृत्व नहीं संभालती है, इस काम को समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मदर इन लॉ इसको संभाल लेती है कि बेटी चाहिए और एक बार सास कह दे कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। और इसलिए हमें एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2 वर्ष पूर्व हरियाणा, जहां पर अनुपात बहुत ही चिंताजनक था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हरियाणा में कार्यक्रम किया। हरियाणा की धरती पर जाकर के ये बात बताना कठिन था। मेरे अफसरों ने मुझे सुझाव दिया था कि साहब वहां तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जाएंगे तो और नया ही कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ है वहीं से शुरू करूंगा। और आज मैं हरियाणा को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले 2 साल में परिस्थितियों की इतनी तेजी से सुधार किया है। जन्म के समय बेटियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो अपने आप में एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करता है। और ये जो पिछले 2 साल के अनुभव है उसमें जो सफलता मिली है उसे ध्यान में रख करके आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने अब वो योजना 160-161 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं, हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। उसके लिए वहां स्थिति अच्छी भी होगी, ज्यादा अच्छी कैसे हो उसके लिए भी काम किया जाएगा। हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, ये जो पुरानी सोच रही कि बेटी कभी कभी लगता है बोझ होती है, आज अनुभव कहता है, हर घटनाएं बताती हैं बेटी बोझ नहीं, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान शान है। हिंदुस्तान में देखिए आप, जब सैटेलाइट आसमान में हम जाते हैं सुनते हैं कि आज सैटेलाइट गया, मंगलयान हुआ, डिकना हुआ, और जब देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे देश की 3 महिला साइंटिस्टों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, तब पता चलता है कि बेटियों की ताकत क्या होती है। जब झुंझुनू की है एक बेटी फाइटर जहाज चलाती है तो लगता है हां बेटियों की ताकत क्या होती है। ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेकर के कोई आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं और पता चलता है कि लाने वाली बेटियां हैं, तो पूरा देश का सीना गर्व से भर जाता है कि हमारी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। और जो लोग मानते हैं
कि बेटा है तो बुढ़ापे में काम आएगा, स्थिति कुछ अलग ही है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां बूढ़े मां बाप हो, चार चार बेटे हो, बेटों को अपने बंगले हो, गाड़ियों की भरमार हो, लेकिन बाप और मां अनाथ आश्रम में बुढ़ापा बिताते हो, ऐसे परिवार हमने देखे। और वैसे भी परिवार देखे हैं कि बेटी बूढ़े मां बाप की इकलौती बेटी, मां बाप को बुढ़ेपे में तकलीफ न हो इसलिए रोजगार करती है, धंधा रोजगार सीखती है, नौकरी जाती है, मेहनत करती है, शादी तक नहीं करती है ताकि बुढ़ापे में मां बाप को तकलीफ न हो और मां बाप के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करती है। और इसलिए समाज में जो सोच बनी है, ये जो विकृति घर कर गई है, उस विकृति से हमें बाहर आना है। और इसको एक सामाजिक आंदोलन, ये हम सबकी जिम्मेवारी। सफलता विफलता को कोई सरकार को दोष दे दे, ठीक है वो काम करने वाले करते रहे, लेकिन इसकी सफलता का आधार हर परिवार का संकल्प ही सफलता का कारण बन सकता है। और इसलिए जब तक बेटा बेटी एक समान, बेटी के लिए गर्व का भाव ये हमारे जहन में नहीं होगा, तब तक मां की गोद में ही बेटियों को मार दिया जाएगा। 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी कभी बुरे लगते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में कम से कम उस बेटी को जन्म दिया जाने का हक रहता था, उसको अपनी मां का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता था, उस मां को अपनी बेटी का चेहरा देने का सौभाग्य मिलता था, इस पृथ्वी पर उसको कुछ पल के लिए क्यों न हो सांस लेने का अवसर मिलता था, और बाद में वो महापाप कर करके समाज की सबसे बड़ी बुराई वाला काम कर दिया जाता था। लेकिन आज तो उससे भी ज्यादा बुरा करते हैं कि मां के पेट में ही न मां ने बेटी का मुंह देखा है, न बेटी का मां का देखा है। आधुनिक विज्ञान की मदद से मां के पेट में ही बच्ची को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा कोई पाप नहीं हो सकता। जब तक हम मानेंगे नहीं कि बेटी हमारी आन बान शान है, तब तक ये बुराइयों का दिमाग से निकलेगा नहीं। आज मुझे यहां जिनके परिवार में बेटी पैदा हुई है, उन माताओं से, उन बच्चियों से मिलने का सौभाग्य मिला, उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। मैंने उनको पूछा, क्या आपको पता है, आपको किसी ने बताया कि आप जब पैदा हुई थी तब मिठाई बांटी गई थी? उसने कहा, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने बेटी पैदा हुई पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांटी थी और एक जश्न मनाया। हमें ये स्थिति बदलनी है, और ये बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम जो सरकार के द्वारा हो रहे हैं, उसी के तहत आज इस योजना को पूरे देश में हम विस्तार कर रहे हैं। दूसरा आज कार्यक्रम एक लॉन्च हो रहा है पोषण मिशन का, राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब किसी को भी पीएम को गाली देनी है, पीएम की आलोचना करनी है, पीएम की बुराई करनी है, तो मेरी इनको प्रार्थना है
कि जितनी बार आप पीएम की बुराई करें, पीएम को आलोचना करें, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला करे, न करे, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। देखिए ये कैसे एकदम से घर घर फैल जाता है। और हमारे यहां बेटा हो या बेटी, उसका शरीर का जो विकास होना चाहिए वो रुक जाता है। कभी जन्म के समय ही बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है, ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। कुपोषण के खिलाफ पहले काम नहीं हुए ऐसा नहीं है, हर सरकार में कोई न कोई योजनाएं बनी है, लेकिन देखा यह गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन अनुभव कहता है कि सिर्फ खाना ठीक हो जाए इतने से समस्या का समाधान नहीं होता है। एक पूरा इकोसिस्टम करेक्ट करना पड़ता है। खाना अच्छा भी मिल जाए लेकिन अगर वहां पानी खराब है, कितना ही खाते जाओ वो कुपोषण की स्थिति में फर्क नहीं आता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये भी कुपोषित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। छोटी आयु में शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, न मां के शरीर का विकास हुआ है, न आने वाले बच्चे के शरीर पे कोई भरोसा कर सकते हैं। और इसलिए सब जीवन से जुड़े जितने पहलू हैं, अगर बीमार है तो समय पर दवाई, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पीने का सौभाग्य, अदरवाइज हमारे यहां तो पूरी मान्यता रही है, पुराने लोग तो कहते हैं नहीं नहीं जन्म के तुरंत बाद मां का दूध मत पिलाओ, गलत है। सचमुच में वो गलती है, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध बच्चे को अगर मिलता है तो पोषण के संबंध में बड़ा होने पर मुसीबतें कम से कम आती है, मां के दूध की ताकत होती है, लेकिन हम उसको भी नकार देते हैं। इसलिए मां को उसके पूर्ण रूप में जब उसको स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके महात्मा को समझते हैं, तो मां अगर उसकी हम रखवाली करेंगे तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे। न्यूट्रिशन की चिंता करना एक काम है, कभी कभी सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हम उस हेल्थ सेक्टर की जितनी सेवाएं हैं उपलब्ध हैं, बजट है, अफसर हैं, लोग हैं, लेकिन हम वहां तक जाते नहीं। और उसी का परिणाम है कि वो कोई न कोई बीमारी का शिकार हो जाता है। आपने अभी जो फिल्म दिखाई उसमें बताया, सिर्फ हाथ धोए बिना खाना, एक अनुमान है कि जो बच्चे मरते हैं उसमें हाथ न धोकर के खाने की आदत के कारण शरीर में जो बीमारियां जाती हैं उसमें मरने वालों में से 30-40% होते हैं। अब ये आदत कौन डालेगा?
कि बच्चों को मां खिलाती है तो मां का भी हाथ धोना होना चाहिए और बच्चा खुद मुंह में कुछ डालता है तो उसका भी हाथ धोया होना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? ये काम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना, ये हम सबका दायित्व है। और उसी के तहत इस योजना को एक मिशन मोड में और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे दवाइयां की समस्या हो, चाहे परंपरागत कठिनाइयां हैं, अब बच्चे हैं, हमने देखा होगा कि जो स्कूल में जाते हैं एक आयु के बाद बच्चों के मन में एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। किस बात का? अगर उस स्कूल में 5 बच्चों की ऊंचाई ज्यादा है और बाकी नाटे कद के बच्चे हैं, उन सबको लगता है कि मेरी ऊंचाई भी ऐसी होनी चाहिए, फिर वो पेड़ पर कहीं इधर उधर लटक करके सोचता है कि मेरी ऊंचाई बढ़े। आप में से सबने प्रयोग किया होगा, हर किसी को लगता है यार ऊंचाई, मेरी ऊंचाई बढ़नी चाहिए, लेकिन हम वैज्ञानिक तरीके से इन चीजों पर काम नहीं करते। आज हमारे देश में उम्र के हिसाब जो ऊंचाई होनी चाहिए उसमें काफी कमी नजर आती है। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो, वजन को हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। करीब 9000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित मानकों के साथ आशा वर्कर हो, विलेज लेवल के वॉलंटियर्स हो, उनके पास टेक्नोलॉजी की मदद रहेगी, रेगुलर बेस पर वो अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो तुरंत ऊपर से इंटरवेंशन होगा, समस्या का समाधान कैसे हो, इन सारी बातों की ओर देखा जाएगा। कभी 8 महीने तक बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है, वजन बराबर चल रहा है, बारिश की मौसम आ गई, अचानक बीमारियों का दौर चल पड़ा, एकदम से सैकड़ों बच्चों की हालत खराब हो जाती है, आपकी 8 महीने की मेहनत 1 महीने में नीचे आ जाती है, तो एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन इस चैलेंजिंग काम को भी हमें पूरा करना है और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो संकल्प किया है उस संकल्प के द्वारा पूर्ण होगा। मिशन इंद्रधनुष के द्वारा, टीकाकरण के काम में तेजी आई है और हमारी कोशिश है कि वर्ष के अंत तक 90% टीकाकरण के काम को हम अचीव कर लें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6000 रुपये की आर्थिक मदद उन माताओं को दे करके उनके प्रेगनेंसी के समय उनकी चिंता की जाए, उसके लिए भी सरकार ने और करीब 23 लाख महिलाएं स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ करके जो लोग वहां हैं, नीचे वाले जो डंडे हैं उसको पकड़ ले, आंधी जरा तेज है, हर कोई उसको पकड़ ले। प्रकार से घर में लकड़ी का चूल्हा जला करके घर में मां एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में ले जाती थी। हमने उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम प्रारंभ किया और मुफ्त में गैस के कनेक्शन पहुंचाने के कारण आज
करीब करीब 3.5 करोड़ परिवारों को उससे मुक्त कराने का काम किया है। आने वाले दिनों में भी विकास की इन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है उसको और तेजी से आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे देश को तंदुरुस्त बनाना है। हमारा बच्चे अगर सशक्त हो गए तो हमारा देश का भविष्य भी सशक्त होगा। इसी संकल्प के साथ आप सब इस जन आंदोलन में जुड़िए। मैं देशवासियों को आह्वान करता हूं, ये मानवता का काम है, ये आने वाली पीढ़ी का काम है, ये भारत के भविष्य का काम है। आप सब हमारे साथ जुड़िए, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।